You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell. पैक लेकर के आई हूँ जो फुल बॉडी व्हाइटनिंग पैक है, यानी कि सर से लेकर के पैर तक के आपकी रंगत को निखारने वाला है, दो टोन तक आपके रंगत को फेयर करने वाला है और आपके चेहरे पे जो भी डार्क स्पॉट है, यानी कि जो भी काले दाग धब्बे हैं, उन सबको जड़ से खत्म कर देने वाला है। तो आज का वीडियो देखना एकदम मस्त। हाय एवरीवन, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा पैक लेकर के आई हूँ जो आप यकीन मानो, शर्त लगा लो, इस पैक को अगर आप सिर्फ एक दिन में अगर आप यूज करते हो, यानी कि एक दिन जैसे आज आप बनाए इस पैक को और अगर आप इसको लगाते हो तो आपको इंस्टेंट आपको आपकी स्किन व्हाइटन और ब्राइटन लगने वाली है। यानी कि इस पैक को बनाओगे, आप लगाओगे और लगाते ही आपकी स्किन टोन आपको दो टोन तक फेयर दिखने वाली है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हमेशा के लिए ग्लोइंग ब्राइट हो जाए तो इस पैक को आपको कंटिन्यू लगाना पड़ेगा। यानी कि एक दिन लगाए और एक दिन में आपकी स्किन टोन फेयर हो गई तो आप सोचोगे अरे वाह मेरी तो स्किन टोन फेयर हो गई, फिर छोड़िए, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपके सर से लेकर के पैर तक आपकी रंगत जो है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। जो ये गर्मियाँ शुरू होते ही जो परेशानी शुरू हो जाती है, सन टैन की परेशानी, धूप में गहने की हमारी रंगत जो है वो कम हो जाती है, पिंपल्स की परेशानी, एक्ने की परेशानी, स्कार्स की परेशानी, जो काले दाग धब्बे होते हैं गर्मी के मौसम में और भी ज़्यादा उभर के दिखने लगते हैं। जिनकी रंगत कम है उनके चेहरे पे कुछ काले रंग के धब्बे दिखते हैं, काले काले, लेकिन जिनकी रंगत साफ है, जिनकी फेयर स्किन है, उनके चेहरे पर जो काले दाग धब्बे होते हैं थोड़े से रेड कलर के दिखते हैं, लेकिन दिखते गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इन सब की परेशानी को ये ठीक करने वाला है। यानी कि एक ऐसा पैक लेकर के आई हूँ जो कि आपके शरीर से सर से लेकर के पैर तक की आपकी सारी परेशानी को दूर करने वाला है। तो आपके चेहरे से लेकर के आपके पैर तक के कालापन को ये जड़ से दूर करने वाला है। तो आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, उन सब की परेशानी भी आपको बहुत हद तक कम दिखने लगेगी। यानी कि जब आप इसको लगाते हो ना तो एक बार में तो झाइयाँ और पिगमेंटेशन खत्म होने वाले नहीं है, वो आते भी आराम से हैं और जाते तो बहुत बहुत आराम से हैं। लेकिन इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं वो लाइट हो जाएंगे। जो आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, मेल पे आते हैं कि छवि ये पैक मैं लगाई हूँ इसके बाद क्या मैं साबुन लगा सकती हूँ, बिना साबुन लगाए तो मेरा मुझे अच्छा फील नहीं होता है। तो आप उन सब परेशानी को ये दूर करने वाला है। यानी कि अगर आप इसको लगाते हो, लगाने के बाद आपको इच्छा नहीं होगी कि आप अपने फेस के ऊपर सोप लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम करने वाला है। तो आगे चल के देखिए कि इस पैक को बनाते कैसे हैं, बनाने के बाद इसको लगाते कैसे हैं और लगाने के बाद इसका रिजल्ट कैसा आता है। इस पैक को बनाएं जरूर और आगे चल के अगर मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 शेयर करें। एक चीज़ और बोलूँगी, इस पैक को बनाने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दें, बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आगे चल के देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं। तो आपको लेना है एक साफ़ सुथरा सा सॉस पैन और उसके अंदर आपको डालना है एक ग्लास दूध। आप गाय का भी दूध ले सकते हो और भैंस का भी दूध ले सकते हो, कोई भी दूध ले सकते हो, लेकिन मैं जब भी इस पैक को बनाती हूँ फुल बॉडी वाइटनिंग पैक को तो मैं गाय का दूध लेती हूँ। अब आपको क्या करना है, एक आलू जिसका छिलका आपको हटा लेना है, उसके बाद उसको आपको अच्छे से ग्रेट कर देना है। ग्राइंडर में ग्राइंड कर दो या फिर आप ग्रेटर में ग्रेट कर दो, लेकिन मैं कहूँगी आप ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कीजिए, आप ग्रेटर में ही ग्रेट कीजिए। और एक ग्लास दूध के अंदर आपको एक छिला हुआ आलू जो अच्छे से धोया हुआ है वो ग्रेट करके आपको डाल देना है। उसके बाद आपको लो फ्लेम में, अच्छा इस बात का आपको एकदम ध्यान रखना है, इसका फ्लेम तेज नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम में ही आपको इसे कंटिन्यू पकाना है।
क्या होता है, जहाँ आप छोड़ोगे ना कि ये उबाल आ जाएगा और ये नीचे से पकड़ भी लेगा और ये आपका पैक अच्छा नहीं होगा, तो आपको इसे कंटिन्यू हिलाना है ताकि ये नीचे पकड़े नहीं और अच्छा सा पैक बने। अब आपको क्या करना है, एक डव साबुन लेना है। मैं डव यूज़ की हूँ, आपके पास कोई भी साबुन जो साबुन आपको सूट करता हो वो आप साबुन ले सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली डव ही यूज़ करती हूँ। तो अब आपको डव साबुन लेना है, उसको ग्रेटर में ग्रेट करना है। आपको इतना साबुन लेना है, ग्रेट करना है, जो कि 3 स्पून यानी कि 3 चम्मच के करीब में हो जाए, यानी 3 स्पून के करीब में आपको डव साबुन को ग्रेट करना है। आप डव ले सकते हो, आप पियर्स ले सकते हो, इस दोनों साबुन में से कोई भी एक साबुन आप चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप डव लो या पियर्स लो। पियर्स में बहुत सारे आते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो आप ले सकते हो, लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, उन सबको मैं बोलूँगी कि आप डव साबुन यूज़ करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होने वाला है। अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाते हो तो बच्चों के लिए भी डव साबुन ज़्यादा जो है उनके स्किन के ऊपर सूट करेगा। हाँ, बच्चों के लिए अगर आप बनाते हो तो आप जॉनसन्स बेबी सोप जो आता है उसको भी आप ग्रेट कर सकते हो। अगर मान लो अगर आप डव साबुन नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप जॉनसन्स के बेबी सोप जो आते हैं या फिर हिमालय के जो सोप आते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो आपने 1 ग्लास दूध रखा था जिसके अंदर आपने छिला हुआ आलू, ग्रेटेड आलू डाला था, पोटैटो, वो देखें कि आपकी 1 ग्लास दूध 1/2 ग्लास से थोड़ा कम हुआ है कि नहीं, यानी कि वो 1/2 ग्लास अगर हो गया हो, आपको अंदाज़ लगे कि 1/2 ग्लास हो गया है, उसके बाद आपको गैस को ऑफ कर देना है और उस पैन को आपको उतार के नीचे रख देना है। और गर्म दूध में ही, जो गर्म दूध और आलू है ना, उसके अंदर ही जो आपने ये डब साबुन जो मैं ग्रेट की हूँ ना, उसको डालूँगी और अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। तब तक मैं मिक्स करूँगी जब तक वो साबुन एकदम अच्छे से मेल्ट ना हो जाए, आलू और दूध के साथ एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन आपको कंटिन्यू हिलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब वो मिक्स हो जाता है, एक ग्राइंडर लेना है साफ सुथरा सा और उसके अंदर आपको ग्राइंड कर देना है। अब ग्राइंड करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से आपको गैस के ऊपर इसको चढ़ाना है और फिर से आपको लो फ्लेम में ही आपको पकाना है, लो फ्लेम में आपको पकाना है। और उसके बाद इसके अंदर आपको 1 स्पून कॉर्न स्टार्च यानी कि एक चम्मच आपको कॉर्न स्टार्च डालना है, यानी कि कॉर्नफ्लावर भी आप डाल सकते हो, डालना है। और अब तो आपको कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि अगर आप अपने हाथ को रोकोगे तो वो गांठ बन जाएगा और ये आपका जो फेस पैक है वो उतना अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और कंटिन्यू आपको चलाना पड़ेगा। जब आपको लगे ना कि ये आपका जो ये पैक है, वो कस्टर्ड हम लोग बनाते हैं ना, तो कैसा वो थिक बनता है ना कस्टर्ड, तो जैसे उतारते हैं वैसा ही थिकनेस आपको चाहिए इस पैक को बनाने के लिए। तो जब लगे कि एकदम गाढ़ा हो गया है, उसके बाद आपको गैस को ऑफ कर देना है और उसके बाद आपको इसको कंटिन्यू चलाना है। मैं तो कंटिन्यू चलाती हूँ जब तक वो ठंडा नहीं होता है, थोड़ा सा उसको हिलाती हूँ, जब लगे मुझे कि वो ठंडा हो गया है उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो भी कांच का कंटेनर है, मेरे पास कांच का है तो मैं कांच के कंटेनर में रखती हूँ, लेकिन अगर आपके पास कांच का कोई भी बॉटल नहीं है तो आप प्लास्टिक के बॉटल में भी यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, अच्छे से आप स्टोर कर दे सकते हो। अब आप बोलोगे कि छवि मुझे कंटिन्यू नहीं चलाना है, कोई बात नहीं, जब आपका ठंडा हो जाता है उसके बाद आप चलाएँ और उसके बाद आप इसको स्टोर कर दें, तो ये आपका बॉडी। तो ये पैक तो बन चुका है, इसको बनाने के टाइम में आपको लगेगा कि छवि आपने बोला था लेकिन इतना तो इजी नहीं है। तो कोई भी चीज़ को बनाना जो है, जो कि बहुत 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 इफ़ेक्टिव हो, इतना इजी नहीं होता है। लेकिन आप यकीन माने, ये आपके चेहरे से, आपके बॉडी से जुड़ी हुई आपकी सारी परेशानी को दूर करने वाला है। कल मैं अपने माँ के हाथ पे लगाई थी, यहाँ पे सिर्फ इतने दूर में लगाई थी और उसको वॉश की, तो उसके बाद मेरी माँ बोली कि बेटा ये हाथ कुछ अलग दिख रहा है, तो मेरे इस हाथ पे भी लगा दो। मीन्स आप यकीन माने, जबकि वो 15 मिनट्स नहीं रखी, 15 मिनट नहीं रखी, सिर्फ 5 मिनट मेरी माँ ने रखा था इस पैक को, और उसके हाथ में सुपर से भी ऊपर वाला इफेक्ट दिखा मुझे, और उसके हाथ जो है एकदम बेबी सॉफ्ट हो गए। तो अगर बेबी सॉफ्ट वाली स्किन चाहिए तो आपके लिए ये पैक बहुत ज़रूरी है, इस पैक को ज़रूर ट्राई करें आप। तो चलिए,
जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे फेस के ऊपर कुछ लगा नहीं होता है, मैं बस सिर्फ रोज़ वाटर स्प्रे करके बैठ जाती हूँ अपने फेस के ऊपर। तो अभी भी मैं रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ, और इसके अलावा मुझे इसकी आदत है, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो इग्नोर मार सकते हो। अब आपको क्या करना है, इससे ले लेना है, देखिए कैसा है, ये गिरता नहीं है, एकदम अच्छे से बन चुका है। उसके बाद आपको इसे ले लेना है ऐसे पाप में, देख रहे हो ना, ले लिए। अब आपको इसे क्या करना है, अपने पूरे फेस पे, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले ली हूँ, थोड़ा सा कम कर देती हूँ, तो इसको वेस्ट नहीं कर सकते ना। अब इसको क्या करना है, ऐसे अपने फिंगर्स पे ऐसे करना है, अपने पूरे फेस पे लगाना है। अगर आपको लगे कि ये थिक हो चुका है, थोड़ा थिक बना है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर, थोड़ा सा पाम से, मतलब उंगली से या फिर स्पून के चम्मच के मदद से निकाल लें, एक बाउल में डाल लें थोड़ा सा रोज वाटर या फिर पानी या फिर दूध, किसी भी चीज़ को आपकी जिसकी भी इच्छा हो, जिसकी जिसको भी मिक्स करने की इच्छा हो, मिक्स करके तब अपने फेस पे लगाएं। तो अभी इसको मैं जब पूरे फेस के ऊपर लगा ली हूँ, इसको अपने पूरे फेस पे लगा चुकी हूँ और हाथ पे भी लगा चुकी हूँ, 20 मिनट के बाद आप सबके सामने हाजिर हूँ। अब 15 से 20 मिनट के बाद क्या करना है, आपको एक टमाटर लेना है, और टमाटर को के बाद आपको क्या करना है, उसको अपने पूरे फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन पे, फेस पे, नेक पे, अगर आपने हैंड पे लगाया है तो हैंड पे, अगर आप हाथ पे और गर्दन में नहीं लगाना चाहते हैं तो एटलीस्ट फेस के ऊपर पूरे 5 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन में टमाटर को जो है आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। आप नींबू से भी कर सकते हो, लेकिन मैं नींबू को अवॉइड करती हूँ। अगर आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, तो आप नींबू से भी नींबू से 1 से 2 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद जो है आप नॉर्मल टैप वाटर से या फिर ठंडे पानी से अपने फेस को आप धो। तो आपने देख लिया ना मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट लग रही है, इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग, फुल बॉडी वाइटनिंग पैक है ये, यानी कि एक ऐसा पैक है जो अगर अभी तक आप ढूंढ रहे थे कि इंस्टेंट स्किन मेरी वाइटन हो जाए, ब्राइटन हो जाए, और साथ ही साथ मेरे चेहरे पे जो भी डार्क स्पॉट है, डलनेस है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, मतलब चेहरे से जुड़ी हुई सारी परेशानी भी खत्म हो जाए, तो आप की खोज जो है वो यहाँ पर आकर के खत्म हो गई है। और आपकी स्किन को इतना ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट बना देगा ना कि आपको आपकी खुद की नजर लग जाने वाली है। अब आप बोलोगे कि इसको बना करके कितने दिन तक रख सकते हैं, अगर फ्रिज के अंदर अगर आप बना करके रखते हो तो आराम से आप यकीन मान 1 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रिज में नहीं रखते हो, अगर आप बाथरूम के अंदर रखते हो या फिर रूम में रखते हो, तो ये 7 से 10 दिन तक आराम से आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो जैसे मैं बताई हूँ वैसे आपको लगा लेना है अपने पूरे बॉडी पे, अगर 5 मिनट भी रख सकते हो, यानी पूरे बॉडी पे हल्का मसाज करते हुए अगर 5 मिनट के लिए अगर आप रख लेते हो, तो जब आप 5 मिनट के बाद आप वॉश करते हो तो आपको लगेगा जैसे साल भर से आपने अपने बॉडी को वॉश ही नहीं किया, उतने अच्छे से आपके पूरे शरीर से है ना ये गंदगी को निकाल देने वाला है। तो ये सुपर से भी ऊपर वाला है, और इसको बनाने का तरीका आपको सबको पता है, और इसको लगाने की अगर एज की बात कहते हो तो इसको लगाने का कोई एज नहीं है। अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल की हो गई है तो आराम से आप उसके पूरे बॉडी में इसको लगा सकते हैं। मैं इसके अंदर डव साबुन यूज की हूँ, आप इसके अंदर आपका कोई भी फेवरेट साबुन जो होगा यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ वही साबुन ले जिसमें मीन्स ग्लिसरीन सोप ले सकते हो या फिर मिल्क सोप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर बताना मुझे रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जब भी मैं फ्री रहूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।